अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है भाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क टीचर्स को टाइम पे सबमिट करा रहे हैं ना आप सब। शाबाश। आप सब ये जानते हैं ना, ये मैथ्स का सब्जेक्ट है और इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम आपको बार बार कहते हैं कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, किसका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, आपकी कमांड स्ट्रॉन्ग होंगी, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो मैथ्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टेकिंग हेल्प फ्रॉम द रिसोर्स लिंक्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हर वीडियो में। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। एज यू ऑल नो, वी आर डूइंग रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 4। इन लास्ट क्लास आई गेव यू होमवर्क अबाउट शेप्स एंड टू ड्रॉ शेप्स एंड देन आई आस्क यू टू सबमिट दैट टू योर टीचर्स। सो आई एम श्योर आप सब ने वो कर लिया होगा ना। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड। पेज नंबर 30 खोल लीजिए अपनी बुक्स का। शाबाश। एंड आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेम द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपने क्या करना है, नेम देना है, नेम बताना है शेप्स का फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स की। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स and you have to tell the shape name of these particular shapes which are mentioned here. What is it? ये क्या है? ये तो एक earth बनी हुई है, picture है earth की, but shape क्या है इसका? आप सबको याद है हमने last class में discuss किया था straight lines and curved lines, कि straight lines की जो shapes होती हैं, जो straight lines से मिलके बनती हैं, उनके corners को count करना it's very easy. But if we talk about those shapes which are made from curved lines, then it becomes very difficult for us to count their corners because they don't have any particular corner, they are made up of curved lines. All right? तो हमने कुछ नाम भी उनके पढ़े थे and one of the name was sphere. Sphere means a shape which is made up of curved line, curved surface. So what is it? This is a sphere. S-P-H-E-R-E. Sphere. All right. जल्दी से sphere लिख दीजिए earth के साथ in the space provided. Now the next shape is of a triangle. It is a 2D shape, triangle की shape बनी हुई है यहाँ। अब हमें ये बताना है कि हम इसको और किन नामों से पुकार सकते हैं। अ pyramid, I'm sure आप लोगों ने movies में भी देखा होगा और cartoons में भी, है ना, अक्सर हम सुनते हैं पायरामिड, जो बेसिकली आई गेस इजिप्ट में होते हैं, इफ़ आई एम राइट, आई डोंट नो, वेल आई हैव हर्ड अबाउट इट। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पायरामिड और पायरामाइड, राइट, PYRAMID, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट शेप व्हिच इज दिस, अ टॉय डक। व्हाट इज इट? इट इज़ अ डक, टॉय है बेसिकली ये, बट वी हैव टू टेल द शेप अगर हम ज्योमेट्रिकल परस्पेक्टिव से देखें। सो दिस इज एन ओवॉइड। व्हाट इज इट? इट इज एन ओवॉइड, OVOID, ओवॉइड। आप इस शेप के बराबर में क्या लिख देंगे? ओवॉइड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप व्हिच इज ऑफ अ क्यूब। इट इज ऑल्सो सिक्स डायमेंशनल शेप एंड इट हैज six sides, I guess, 1, 2, 3, three visible हो रही हैं, three उस sides हैं, total six sides हैं, है इसको square भी कहते हैं, but in other words we will call it cube, all right, C-U-B-E, cube. Now this is a cylinder, C-Y-L-I-N-D-E-R, ये एक cylindrical shape है, hollow है बीच में से, बाहर का सरफेस कर्व लाइन से मिलके बनाए, ठीक है, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं व्हाट इज इट? दिस इज अ क्यूबॉइड, ये कबर्ड है, सो क्यूबॉइड भी हम कहते हैं। कितना आसान है ये, है ना,
वेरी गुड। तो अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, अपने होमवर्क में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है ना, यहाँ ड्रॉ एरोज टू शो द कॉर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, आपने ये क्वेश्चन अपने होमवर्क में करना है, टीचर्स को सबमिट कराना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ, ठीक है? वेरी गुड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिसोर्स के लिंक आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किया जाएगा, यू कैन टैली योर आंसर्स फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, गुड बाय।